फ्रीक्वेंसी फंक्शन, दिस फंक्शन इसको एक मैट्रिक्स फंक्शन बोलते हैं हम, बिकॉज द वे वी यूज दिस इट इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर फंक्शंस। तो स्टार्ट करते एग्जाम्पल के साथ। मेरे पास ये डेटा है एंड ये 195 कंट्रीज़ का डेटा है, हर एक कंट्री का बर्थ रेट मुझे दिया हुआ है। अब सपोज़ मुझे चाहिए इस डेटा को मुझे समराइज़ करना है। जो भी कंट्रीज़ जिनका बर्थ रेट इज़ बिटवीन 0 to 5 वो मुझे चाहिए, या फिर 5 to 10, 10 to 15 एंड सो ऑन। बेसिकली जो हम लेस दैन फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते थे अपने स्कूल में, सेम चीज़ आई वॉन्ट टू मेक using the frequency function. So we'll go very slow because इससे ये function, जैसे मैंने बोला कि is different from other functions which we use, बहुत slow जाएंगे हम। यहाँ पे we can to make sure let us count कितने सारे हमारे पास rows हैं। So we have 195 rows in टोटल 195 कंट्रीज़ का डेटा हमारे पास दिया हुआ है। ऑल द कंट्रीज़ हैविंग बर्थ रेट बिलो 0, उनका कितना नंबर है, उनका कितना फ्रीक्वेंसी है। ऑल द कंट्रीज़ हैविंग बर्थ रेट बिटवीन 0 to 5 वो यहाँ पे आ जाएगा एंड सो ऑन। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू सिलेक्ट ऑल द आउटपुट सेल्स। यहाँ पे मुझे मेरा आउटपुट चाहिए, तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा हम अपने पूरे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, अपने फॉर्मूला बार में, ये मेरा फॉर्मूला बार है, यहाँ पे वील टाइप द फ्रीक्वेंसी फंक्शन। सबसे फर्स्ट मेरा आर्ग्यूमेंट इज डेटा एरे। डेटा एरे इज सिंपली द कॉलम जहाँ जो मेरा डेटा कॉलम है जिससे मेरे को मेरा वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना है, जो मेरा बेसिक डेटा कॉलम है। सो दिस इज माई बेसिक डेटा कॉलम। आई विल सिलेक्ट द होल column using the shortcut key Control Shift and down arrow. Next is the bins array. Bins array मतलब जो मेरा range का columns है, this is my range जो हम अपने स्कूल में x values बोलते थे, less than x values। तो ये मेरा x values या फिर मेरा जो range का values है, range का column है, simply उसे हमने select किया, ब्रैकेट क्लोज किया। नाउ व्हेन वी यूज़ नॉर्मल फंक्शंस जैसे सम फंक्शन, काउंट फंक्शन, उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली फंक्शन का नेम लिख के आर्ग्यूमेंट्स डाल के एंटर प्रेस करते हैं। पर यहाँ पे एज आई टोल्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ माई वीडियो कि हम दिस इज़ अ मैट्रिक्स फंक्शन। सो यहाँ हम जब अपना फंक्शन पूरा टाइप कर लेते हैं, हम सिंपली एंटर प्रेस नहीं करते हैं, हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एंड मेरा सारा आउटपुट अपने आप एक बार में सारे आउटपुट सेल्स में अपने आप पॉपुलेट हो जाते हैं। टू मेक श्योर कि मेरा डेटा जो मेरा आउटपुट है वो सही है, हम क्या कर सकते हैं, हम इस पूरे का सम निकाल सकते हैं एंड इस पूरे का सम शुड एड अप टू 195। जो मैंने देखा था कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, 195 कॉलम्स है, तो इन पूरे का सम शुड एड अप टू 195। बेसिकली एक बार और अच्छे से समझते हैं। 0 इज़ द नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैविंग बर्थ रेट बिलो 0, 20 इज़ द नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैविंग बर्थ रेट बिटवीन 5 and 10, 51 इज़ द नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैविंग बर्थ रेट बिटवीन 10 to 15 एंड सो ऑन। सो आई हैव मेड अ फ्रीक्वेंसी टेबल इन like in only 1 minute you can just make a frequency table using this function. इसका सम निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। It should come to 195, मतलब मेरा output is correct। Step by step वापस देखते हैं। जहाँ मुझे output चाहिए वो पूरे cells को select किया, यहाँ पे अपने formula bar में frequency function type किया एंड उसके बाद डेटा आरे। डेटा आरे विल बी माई द डेटा, द बर्थ रेट कॉलम जो पूरा मैंने सेलेक्ट किया। बिन्स आरे विल बी द एक्स वैल्यूज़ और द रेंज वैल्यूज़ का कॉलम, वो मैंने सेलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली एंटर नहीं प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर, ये तीनों साथ में प्रेस करना है सो दैट वी गेट द आउटपुट इन ऑल द सेल्स. एंड इफ यू कैन जस्ट सी यहाँ पे एक सेकेंड ब्रैकेट ऐड हो गया. दिस सिग्निफाइज दैट इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी फंक्शन. एक और छोटा सा हिंट, एक और छोटा सा जो मोस्टली कुछ कुछ स्टूडेंट्स गलत करते हैं. इफ सिंपली सेलेक्ट वन, इस पूरे कॉलम में आई हैव सिंपली सिलेक्टेड वन सेल एंड इसका फंक्शन अगर चेंज करने जाए तो वो चेंज नहीं होगा. इफ़ सिंपली अगर कोई फंक्शन चेंज करके कुछ भी टाइप करने का सोचे तो वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. See, you can't change part of an array. Array is simply group of cells. तो you can't simply change because ये जो frequency function था ये पूरे इस पूरे मेरे column के लिए था, not only for particular cell. तो I can't change my input in one particular cell of an array. तो यहाँ पे simply हम escape press करेंगे. Please backspace मत press करना, escape press करना ताकि वापस मेरा original value आ जाए. अगर बाई चांस कभी भूल से ऐसा हो कि एक वैल्यू चेंज करने जाओ और ये एरर दिखाए तो सिंपली एस्केप बटन प्रेस करना एंड मेरा वैल्यू वापस वही आ जाएगा. तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. फर्स्ट सिलेक्ट ऑल द आउटपुट रोज. जो मेरा आउटपुट सेल्स था सबसे पहले मैंने वो सिलेक्ट किया. उसके बाद मैंने अपना फ्रीक्वेंसी फंक्शन एंटर किया इन द फॉर्मूला बार. डेटा एरे इज़ द डेटा ऑन विच वी नीड टू वर्क, जो मेरा बर्थ रेट वाला कॉलम था. बिन्स एरे आर द रेंज वैल्यूज़, जो मैंने सिलेक्ट किया 0, 5, 10. उसके बाद व्हेन आई हैव एंटर्ड माई फंक्शन आई विल प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर. सिर्फ एंटर प्रेस करने से एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर प्रेस करना पड़ेगा. दिस इज़ अ मैट्रिक्स फंक्शन एंड जो भी मैट्रिक्स फंक्शंस होते हैं उसके लिए वी यूज़ कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर. दिस इज माई फ्रीक्वेंसी टेबल जो सिर्फ 1 मिनट में बन सकता है. थैंक यू. करिए स्टॉप.